हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान शिक्षा जगत समाचार लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, 11 जुलाई 2019 गुरुवार की बड़ी खबरों के साथ आपसे मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको देखना होगा यहां पर 50 बड़ी खबरें आ रही है, सभी भर्तियों से जुड़ी और बजट से संबंधित यहाँ पर खबर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, वो खबर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अभी हाल ही में तो यहाँ पर देख सकते हो रात की बारिश, शिक्षा विभाग में 21,600, चिकित्सा में 15,000, ऊर्जा में 9,000 भर्तियां, 300 पदों पर नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो द्वितीय श्रेणी की भर्ती 2016 का मामला, यानी कि सभी भर्तियों से संबंधित यहां पर आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी, बजट 75,000 नई भर्तियां, बीएसटीसी, पटवारी, विद्युत विभाग, राजस्थान पुलिस, तो ये सभी संबंधित यहां पर न्यूज आपको देखने को मिलेगी। तो विद्युत विभाग में बच्चे यह न समझे कि यहां जेवीएनएल की बात की जा रही है जो पिछले साल की, नहीं दोस्तों, यहां पर नई भर्तियों की बात की जा रही है जो ऊर्जा विभाग में निकली हुई है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा यहां पर बड़ी न्यूज है तो क्या क्या न्यूज आ रही है। ऐसी अपडेट देने के लिए डेली शिक्षा जगत समाचार को पढ़ना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, रोजाना, क्योंकि शाम को बिल्कुल आपके लिए पूरा तैयार किया जाता है और फिर सुबह आपके लिए समाचार बनाया जाता है पूरा। दोस्तों, तो आज के जो बुलेटिन समाचार आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये आपके आगे के जो एक साल की प्रक्रिया है क्या क्या होनी है वो आज को आपको देखने को मिलेगी बजट के साथ। और आपको ऐसी शिक्षा जगत समाचार डेली वीडियो मिलती है दोस्तों, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी पर शेयर कर दो। तो चलते हैं अपन इसको बता देते हैं कौन कौन सी न्यूज आ रही है आज की। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देख लीजिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016, तो यहाँ पर सबसे पहली खबर है दोस्तों, 300 पदों पर नियुक्तियों देने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तो दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बड़ा मामला यही देखने को मिला है अभी तक का कि हाई कोर्ट उसमें रोक लगा देता है, क्योंकि उसमें याचिका लगा देता है कोई स्टूडेंट। तो सामाजिक विज्ञान की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का मामला है, 300 पदों पर नियुक्तियाँ देने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जयपुर से बड़ी खबर है दोस्तों। अगली न्यूज आपकी, तो अगली न्यूज है दोस्तों, फेल हुए 88 मूक बधित छात्रों की कॉपियों की फिर होगी जांच। तो फेल हुए 88 मूक बधिर छात्रों की कॉपियां फिर से होगी चेक, यानी कि जांच होगी, जयपुर से खबर। आगे आप देख सकते हो दोस्तों, पैरामेडिकल स्टाफ पदों पर भर्ती अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी किए। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो जो पैरामेडिकल रेलवे में भर्ती निकली हुई थी उस स्टाफ भर्ती, उसके अभ्यर्थियों का मॉक टेस्ट, यानी कि जो भी कोई टेस्ट लगाना चाहता है मॉक, तो वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आरआरबी द्वारा 19 से 21 जुलाई तक आयोजित होगी ऑनलाइन परीक्षा, सिटी रिपोर्टर अजमेर से। आगे देख सकते हो यहाँ पर क्या है, कितने पदों पर यह भर्ती थी, 1937 पदों पर भर्ती थी, और एससी एसटी वालों के लिए पास डाउनलोड कर सकते हैं, यदि किसी को पास डाउनलोड करना है रेलवे का तो वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है। 22 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होगा उदयपुर 4 शहरों में। तो देख सकते हो यहाँ पर आगे की खबर है आपकी, प्रधानाध्यापक 2015 भर्ती के मामला है, सिंधी, भौतिक विज्ञान, संगीत और राजस्थानी की आरक्षित सूची जारी। तो देख सकते हो यहाँ पर आरक्षित सूची जारी कर दी गई अजमेर से, बड़ी खबर है दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी इसका रिजल्ट आपको बता दिया था। वैसे तो आगे की खबर है आप सभी की, आगे की क्या खबर है, इग्नू में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। तो 31 तक बढ़ा दिए, इग्नू में आवेदन की अंतिम तिथि 31 तक बढ़ाई, बड़ी खबर दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर क्या है आपकी, अगली खबर है आप सभी के, जेईएन पदों पर भर्ती परीक्षा में आज से दे सकेंगे आपत्तियां। तो यहां पर देखी जा रही है बड़ी खबर, जेईएन पदों पर भर्ती परीक्षा में आज से दे सकेंगे आपत्तियां, अजमेर से बड़ी खबर है दोस्तों। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग, तो इसकी अब आंसर की जारी कर दी गई है और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, CBT 1 के प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी ऑब्जेक्शन ट्रेकर, 11 जुलाई से लिंक जारी हो जाएगा, यानी आज से, और कल आपकी आंसर की आ चुकी थी, तो आप आंसर की जरूर मिला लीजिए दोस्तों। आगे की खबर है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं समाप्त। तो CBSE की जो कंपार्टमेंट परीक्षा थी वो समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो अब आपके लिए और बड़ी क्या न्यूज है, तो दोस्तों अब की बड़ी न्यूज है दोस्तों आपकी, शिक्षा से वंचित नहीं रहने वाले ग्राम पंचायत को मिलेगा उजियारी पंचायत का दर्जा। शिक्षा से वंचित नहीं रहने वाली ग्राम पंचायत को मिलेगा उजियारी पंचायत का दर्जा, शिक्षा अधिकारी ने किया विद्यालयों का दौरा, न्यूज सर्विस न्यूज ज्योति वेगनू। तो देख सकते हो यहाँ पर से खबर, आगे की खबर है, दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए आरपीएससी सूतलेखकों का जिलेवार पैनल तैयार करेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आरपीएससी सूतलेखकों का जिलेवार पैनल तैयार करेगा, आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। सूतलेखक
ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। सिटी रिपोर्टर अजमेर। आगे की खबर है दोस्तों शिक्षा से संबंधित। कक्षा 6 से 12वीं की स्कूली में आत्मरक्षा पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। राज्य के लिए बनाई जाएगी नवीन शिक्षा नीति। 500 सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी में कर्मोन्नत होंगे, तो जो 5-10वीं तक के विद्यार्थी थे अब वो 12वीं तक हो जाएंगे। दोस्तों सभी वंचित उपखंड मुख्यालयों पर चरणबद्ध ढंग से कॉलेज खोलेंगे, कॉलेज खोले जाएंगे। सभी उपखंड स्तर पर 18 भवन विहीन कॉलेजों के नए भवन बनेंगे। पिंडवाड़ा, पहाड़ी, मानसूर, डूंगरगढ़, बारदा, रायपुर, पाली भवन विभिन्न कॉलेजों में भवन बनेंगे। बड़ी खबर है दोस्तों। आगे की आपकी सबसे बड़ी ताज़ा खबर है दोस्तों, बजट में सीएम का ऐलान, यानी कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि विभिन्न विभागों में होगी 75,000 पदों पर भर्तियां। तो कौन कौन से विभाग में होगी? शिक्षा विभाग में 21,600 भर्तियाँ, चिकित्सा में 15,000 और ऊर्जा में 9,000 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल रिपोर्टर जयपुर से बड़ी खबर है दोस्तों, हुनर का हर हाथ रहे रोजगार के साथ, ये बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो RJS, RAS तो सभी भर्तियों की यहाँ पर RU कराएगा, तो अब कौन करवाएगा इन भर्तियों को? RU। तो दोस्तों देख सकते हो बड़ी खबर। आगे की बड़ी खबर है दोस्तों, छात्राओं को रियायती छाता, तो छात्रों को रियायती छाता यहाँ पर बड़ी खबर। तो क्या है? मुंबई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा को राजस्थान भवन में रियायती आवास। मुंबई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को राजस्थान भवन में रियायती आवास। बड़ी खबर जयपुर से। नागरिक सुरक्षा आगजनी रोक को सो फायर ब्रिगेड। बड़ी खबर। आगे की खबर है, हर कर्मचारी की होगी पहचान, सबका होगा कल्याण। तो यहाँ पर देख सकते हो हर कर्मचारी की होगी पहचान, सबका होगा कल्याण, जयपुर। बड़ी खबर, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा के लिए राजस्थान जन आधार योजना का स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन होगा। बड़ी खबर। आगे की न्यूज है दोस्तों आपके लिए, MDSU ने जारी किए BCA और BSc के परिणाम। BCA और BSc के परिणाम जारी कर दिए गए MDU ने, तो MDSU ने जारी कर दिए। अजमेर से बड़ी खबर। आगे की है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया। सहायिका को अब 6,000 से 6,500 मिलेंगे, 7,500 सॉरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, यानी कि इनको 1,500 रुपये की अब आगे बढ़ा दिया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, 4,500 से अब 5,750 रुपये होगा। ये बड़ी खबर। मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना। तो देख सकते हो मदरसों में पढ़ाई के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना। 50 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे, तो 50 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे राजस्थान से। बड़ी खबर। आगे खबर है, चौथे राउंड तक NIT की 327 सीटें रही खाली। तो दोस्तों देख सकते हो चौथे राउंड तक भी 327 सीटें अभी भी खाली है NIT के अंदर। न्यू ज्योति कोटा से बड़ी खबर। आगे की खबर है आपके लिए, आगे खबर क्या है, 211 चयनित पटवारियों को जिला आवंटन। तो 211 जो चयनित पटवारी थे उनको जिला आवंटन। पटवार भर्ती परीक्षा 2015 में शेष रहे अभ्यर्थियों का मामला। तो देख सकते हो पटवारी भर्ती परीक्षा 2015 में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी देने के बाद राजस्व मंडल ने बुधवार को जिला आवंटन कर दिया है। बड़ी खबर। आगे की खबर क्या है दोस्तों, आगे खबर है प्रारंभिक शिक्षा विभाग का मामला, अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग शुरू। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग का मामला, अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग शुरू, जयपुर न्यूज टुडे से बड़ी खबर। आगे की खबर है दोस्तों आपकी, 5वीं बोर्ड की अंक तालिकाओं में गलतियों की भरमार। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हो चाकसू से बड़ी खबर, 5वीं बोर्ड की जो अंक तालिका है उनमें गलतियों की भरमार है दोस्तों। तो अब क्या होगा? आगे की बड़ी खबर है, सेना में 45,000 वैकेंसी, अगले 2 महीनों में रैली। तो देख सकते हो सेना में 75,000 वैकेंसी, अगले 2 महीने में रैली। नागौर जोधपुर के बाद अब श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर व भरतपुर में की जाएगी रैलियां। तो जोधपुर आर्मी से बड़ी खबर है दोस्तों, जल्दी से फॉर्म भरिए दोस्तों और आप भी दौड़ में शामिल हो जाइए। 45,000 वैकेंसी नोटिस, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति 2019-20 यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब इसे पढ़ लीजिए। दोस्तों PDF लेने के लिए आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिलेगा। आगे की है स्कूल कॉलेज, 18 कॉलेजों को भवन मिलेंगे, छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। 18 कॉलेजों को भवन मिलेंगे, छात्राओं को सेल्फ डिफेंस, स्कूल कॉलेज। बड़ी रिपोर्ट जयपुर से। आगे की खबर है आपके लिए, अब कॉलेज में भी होगी IAS RAS
सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बड़ी खबर, छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज में 15 जुलाई से होगी कॉम्पिटिटिव कोचिंग कक्षाएं। आगे खबर है, बजट गरीब किसान एवं युवा बेरोजगार के साथ छलावा। तो देख सकते हो, बजट गरीब किसान और युवा बेरोजगार के साथ छलावा। भाजपा ने कहा, बजट में किसी की भी योजना का कोई रोड मैप नहीं है, न ही रोजगार के उपाय। भास्कर न्यूज जयपुर से बड़ी खबर। आगे की खबर है दोस्तों, आप सभी के लिए, मैडम ने कुर्सी के पास बैठा रखा था डॉग। तो देख सकते हो, मैडम ने कुर्सी के पास बैठा रखा था डॉग। जांच टीम स्कूली पहुंची, शिकायत के सभी मामलों में पाई दोषी। बड़ी खबर। आगे खबर है, दित्ते पारी में हो वैशाली नगर के विद्यालय का संचालन, देवनानी। बड़ी खबर। आगे खबर है, स्टाफिंग पैटर्न में अधिशेष, शिक्षकों की काउंसलिंग, 5,000 में से 77 को माना अधिशेष, दिन भर हुए परेशान, छाया पानी की व्यवस्था नहीं। बड़ी खबर। आगे की खबर है आप सभी दोस्तों के लिए, आगे की खबर क्या है, थर्ड ग्रेड के 208 शिक्षकों की काउंसलिंग, स्कूलों में रिक्त पदों पर होगा पदस्थापन, भरतपुर से बड़ी खबर। आगे खबर है, आंगनबाड़ी महिलाओं ने लगाया वर्ग भेद का आरोप। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, आंगनबाड़ी महिलाओं ने लगाया वर्ग भेद का आरोप। बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी दूती चंद। तो देख सकते हो, यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है दूती चंद। आगे की खबर है आपकी, सेंट एंसलम की संबद्धता लेने के लिए सीबीएसई के आदेश पर रोक। बड़ी खबर। आगे की खबर है, वाणिज्य संकाय में जो विषय खुद शिक्षकों ने ही नहीं पढ़े, वह अब उन विषयों को शोध कराएंगे। तो दोस्तों, जो विषय शिक्षकों ने नहीं पढ़े, अब वो शोध कराएंगे, यानी कि वह पढ़ाएंगे। बड़ी खबर। आगे खबर है, अध्यापिका को असली वीडियो भेजने का मामला, सीबीओ ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया स्कूल। टीचर्स के विवाद में श्री गीगासर उत्कृष्ट स्कूल पर आक्रोशित परिजनों ने लगाया ताला, कार्यवाहक एचएम शिक्षक एपीओ। बड़ी खबर। आगे खबर है, मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल पहले राउंड की काउंसलिंग के 98 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। आगे की खबर है, बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहे बाल वाहिनी चालक। बड़ी खबर, भास्कर न्यूज। आगे खबर है, चिलचिलाती धूप व उमस में अभ्यर्थी हुए परेशान, 206 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग, आज भी होगी। बड़ी खबर दोस्तों। आगे की खबर है, भूगोल के छात्रों के लिए 2.10 करोड़ से बनेंगे क्लासरूम व सेमिनार हॉल। बड़ी खबर। आगे की खबर है दोस्तों, गांधीगिरी पर फार्मासिस्ट शांत रैली निकाली, कहा बंद हो हमारी अनदेखी। बड़ी खबर जयपुर से। आगे की खबर है, जहाजपुर साचौर और पहाड़ी में खुलेंगे नए कॉलेज, जयपुर से बड़ी खबर। आगे की खबर देख सकते हो आप क्या है, शिक्षा पर करोड़ों खर्च फिर भी सुविधाओं का अभाव, कहीं खुले में स्कूल तो कहीं बिजली पानी नहीं। बड़ी खबर, दूध योजनाओं की खटाई में स्वच्छ पेयजल भी स्कूलों में किया बंद, जयपुर न्यूज टुडे बड़ी खबर। आगे की आप खबर देख सकते हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप पढ़ सकते हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को ले लेना, आपको लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी आईक्यू अकेडमी सर्च करके। तो दोस्तों, आज का आपको शिक्षा जगत समाचार कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से दोस्तों, ताकि आपके लिए यह डेली क्लासेस चलाई जा सके शिक्षा जगत समाचार की, क्योंकि सुबह सुबह आपके लिए 10 मिनट निकालना बहुत ही जरूरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होती है इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं कल इसी टाइम और इसी समय दोबारा से। धन्यवाद दोस्तों।